हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ घर के कामों से। तो पोछा लगाने की तैयारियाँ हो रही है मेरी, तो यही है अभी बचा हुआ। जब तक भाई नहीं आता तब तक यही काम है, फिर भाई के आने के बाद तब अपना फील्ड वर्क शुरू हो जाएगा। तब तक मम्मी की हेल्प जितनी कर सकते उतनी करनी चाहिए और कर रहा हूँ। तो आज के व्लॉग भी मेरे वन प्लस से शूट हो रहा है, और इसका कारण है कि आज हमें क्या करना है, इस आईफोन की बैटरी बैकअप का चेक करना है कि कब तक और कितने घंटे चल रहा है, चार्ज होने में कितना टाइम लगता है, ये सारी चीज़ें। तो अभी ये है 23% चार्ज, और इसके अंदर थोड़े गाने वगैरह बजाते हैं। अभी जब से आया है तब से इसको चार्ज पर नहीं लगाया है, तो गाने वगैरह बजाते हैं और इसको पूरा डीप डिस्चार्ज करते हैं, 1% या पूरा डिस्चार्ज। उसके बाद इसको वापस चार्ज लगाएंगे, कितने घंटे लेता है चार्ज में, ये सारी चीज़ें चेक करेंगे इसकी, क्योंकि अपना है फील्ड वर्क। इसको कैसे क्या यूज करना है कभी पता नहीं है, बैटरी बैकअप इसका क्या है वो पता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें चेक करेंगे जिससे कि अपन को फ्यूचर में जो भी अपन को जैसे कि यूज लेना है इसको, वो अपन चेक करते रहेंगे। नारायण लक्ष्मी को खाना दे दिया है, एक काम पूरा हो गया, पोछा लगा दिया, नारायण लक्ष्मी को खाना दे दिया, अब खाने की बारी। तो गाइज अभी आईफोन है 11% चार्ज, और तब से लेके अभी तक मैंने बहुत सारे तो कपड़े सुखा लिए, आज कपड़े धुले थे तो सारे कपड़े सुखा लिए, घर में झाड़ू पोछा दोनों कर लिया, और बहुत सारे बर्तन भी धो लिए। और अभी तक इसका बैकअप काफ़ी ठीक है, 10% में इतना सब इतने घंटे चल गया, मतलब घंटा भर तो चल ही गया, कंटिन्यू गाने चल रहे हैं और वो भी फुल आवाज़। तो गाइस अब मैं बनाने जा रहा हूँ दाल के पराठे। तो घी तैयार है, तवा तैयार है, चकलोटा बेलन सब तैयार है अपने पास, बस पराठे बनाने वाले की देरी है, वो मैं हूँ। पराठे बनाने वाला भी तैयार है, चिमनी चालू करते हैं और शुरू हो जाते हैं। लाइट ही नहीं है, लाइट आएगी तब देखा जाएगा, अभी तो शुरू। तो गाइज अभी भी आईफोन पड़ा है अपने 5%, कंटिन्यू गाने चलने के बावजूद भी। तो गाइज अब आईफोन बचा है 1%, और टाइम हो रहा है 1:02। तो अभी 1:13 पे इसको चार्ज लगा रहे हैं सब कुछ बंद करके। तो गाइज अभी 2:12 हो रहे हैं, मतलब कि 1 घंटा होने में सिर्फ 1 मिनट बाकी है, और फ़ोन हो गया है 80% चार्ज, मतलब 1 घंटे में ये लगभग 80% चार्ज हो जाता है। अगर आपको कोई भी इमरजेंसी हो तो उसमें काम में ले सकते हैं। अभी इसको 100% होने देंगे और फिर वापस इसको डिस्चार्ज भी करेंगे, ताकि पता चले कि ये कितना चल सकता है एक फुल बैटरी चार्ज। तो गाइज इसी बीच में सो गया था और इस वजह से आगे का वीडियो नहीं बन पाया, तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं। अभी आईफोन है पूरा 100% और टाइम हो रहा है 5:02। तो अभी से ट्राई करते हैं कैसा क्या इसका रेस्पॉन्स रहता है। मैं बना रहा हूँ अभी चाय सबके लिए, तो मुझे लगता है आईफोन मन ही मन में डायलॉग मार रहा होगा, चढ़ा हूँ जितनी शान से उतरूँगा भी उसी शान से। वो इंस्टाग्राम के रील्स में मैंने सुना था, कमाया है जितनी शान से उड़ाएंगे जितनी शान से। वाह क्या बात, मेरी बातों से चाय पक गई।
तो गाइज यार अभी टाइम हो रहा है 7:29 और स्क्रीन टाइम के हिसाब से आप देख सकते हो 2 घंटे और 12 मिनट का टाइम बता रहा है और अभी भी आईफोन अभी तक 90% पर बिंदास चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता ये फ़ोन मेरे से आज डिस्चार्ज होगा। तो अभी तक तो काफ़ी ठीक बैकअप दे रहा है, लेकिन उसका भी एक वजह है कि अभी तक ज़्यादा ऐप्स नहीं डाल रखे हैं मैंने इसके अंदर। नॉर्मली जो अपने सोशल मीडिया के ऐप्स वगैरह, इसके अलावा कुछ डला हुआ नहीं है। देखते हैं क्या रिस्पॉन्स रहता है इसका। तो गाइज यार अभी टाइम हो रहा है रात के 10:52, मतलब पूरे 11 बजने वाले हैं और आईफोन अभी भी 69% है और कंटिन्यू इसका नेट ऑन है। जब तक मैं खाने बना रहा था तब तक इसमें गाने बज रहे थे। तो मुझे नहीं लगता ये कब डिस्चार्ज होता है, देखते हैं अपन। तो अब हो रहा है मेरा सोने का टाइम, 11 बज रहे हैं। अभी थोड़ी सी एडिटिंग अभी कर लेता हूँ, थोड़ी सी सुबह सुबह फिर पापा को स्कूल जाना है, तो डेली रूटीन की तरह मुझे फिर से टिफ़िन और खाना वगैरह सब बनाना है। तो टाइम पर सोना ज़रूरी है क्योंकि मुझे सुबह 5 बजे उठना होता है और रात को लेट सोऊँ, सुबह जल्दी उठूँ, दिन भर काम करूँ, आयरन मैन नहीं है। टाइम पे सोना, टाइम पे खाना। तो मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट बूम।